मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिकली डिनर करना है अभी थोड़ी देर में। और आज मैं इवनिंग को वॉक पे गई थी, पर ज़्यादातर वॉक नहीं कर पाई क्योंकि सैंड स्टॉर्म स्टार्ट हो गया था और मुझे लगा कहीं ज़्यादा ज़ोर से बारिश ना आ जाए, तो आई कुड हार्डली मैनेज वॉक। थोड़ा बहुत मैंने वॉक किया उसके बाद में आ गई, बट लाइट भी चला गया था बीच में, बट अभी थोड़ा थम गया है तो ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, अभी डिनर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। तो मैं आज डिनर मेन्यू में मेरा आज है फिश मॉयली। मैं कातला फिश से कोकोनट मिल्क ग्रेवी में आई विल मेक फिश रेसिपी, और साथ में देयर इज अ मिक्स्ड वेज जो मैंने आज आफ्टरनून को बहुत ही सिंपल से बनाया था। जस्ट कुकर में 5 फोड़ों हींग एंड सम टर्मरिक सॉल्ट ग्रीन चिलीज के साथ एक फास्ट टू कुक वाला एक रेसिपी बनाया था, 10 मिनट्स के अंदर बन गया था, तो एक वो है। एंड सोच रही हूँ कि उसके साथ एक राइस हो जाएगा। तो अभी डिनर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंजा नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ही बनाऊँगी। तो आई थिंक द किंग ऑफ द किंग ऑफ द मेन्यू विल बी फिश मॉयली, तो उससे ही सबका हो जाएगा खाना। तो आज का ब्लॉग मैं अभी शुरू कर रही हूँ, अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो गया है नाइट का और ये जल्दी बन जाएगा 40-45 मिनट्स में। तो आज ये सैंड स्टॉर्म के चक्कर में मेरा वॉक थोड़ा इंटरप्ट हो गया है, तो एनी हाउ कल कर लेंगे बाकी का अपना जितना भी एक्स्ट्रा करना है। तो चलिए चलते हैं डिनर बनाने। तो ये मैं किचन में आ गई हूँ और फिश मॉयली बनाने के लिए, ये बेसिकली केरला स्टाइल फिश करी है जिसमें कोकोनट ग्रेवी और कड़ी पत्ता पड़ता है। वहाँ पे तो आई गेस दे मोस्टली यूज सियर फिश जिसको उन लोग डायरेक्टली ग्रेवी में डाल देते हैं, बट सिंस आई एम मेकिंग इट फॉर विद कातला फिश तो मैं उसको बंगाली स्टाइल मैंने सॉल्ट एंड टर्मरिक से इसको मैरिनेट कर लिया है। ये है, इसको मैं पहले फ्राई करूँगी, देन आई विल गो अहेड विद द प्रोसीजर। तो सबसे पहले मैंने तो ये फिश ले लिया है, ये ऑलमोस्ट 300 ग्राम फिश होगा और साथ में मैंने बाकी सारे इन्ग्रीडियंट्स यहाँ पर रेडी करके रखे हैं। ये बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाएगा, बट इसका मेन जो इन्ग्रीडियंट है वो है कड़ी पत्ता एंड कोकोनट मिल्क। तो मैं यहाँ पे रेडीमेड कोकोनट मिल्क ही यूज़ करती हूँ, थोड़ा फास्ट हो जाता है और टाइम ऑफ कुकिंग भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, बट इसको जनरली तो फ्रेशली कोकोनट से अगर हम बनाएंगे मिल्क को तो उसका अच्छा टेस्ट आता है, बट ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने तो थोड़ा सा ये ईजी वे आउट निकाला है बनाने का, तो चलिए बनाते फटाफट डिनर।
it with a very beautiful weather outside. Ekdam black clouds, breezy air. But haan, rain to bilkul bhi nahi ho yahan pe. So, aaj beautiful weather ke saath shuru hua, but within an hour it's now almost bright sunshine. Sab black clouds chale gaye hain, hawa nahi nikal diya hoga. And now it's a proper bright sunshine over here. And breakfast ke liye maine kuch kuch taiyari kar li hai, and here sunshine. Is Aina. Yeah, good morning to all the people who are viewing this. Have a great day today. Okay. And yeah, one more thing. Love you all. That was not great. Only few people. My hubby is a very, fun-loving person. मैं जितना ही sincere हूँ और उतना मस्ती नहीं कर सकती. That is not my forte. I am more of a sincere worker type of a person, and he is like a very fun-loving. और इस वजह से हम लोग chemistry भी अच्छा होता है. Life becomes easy, happy also. बहुत मजाक में हम लोग का दिन कट जाता है. और अभी बनाऊँगी breakfast, easy to make, fast in my favorite pressure cookers. तो चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने. और आज मैं थोड़ा अपना वार्डरोब को रीऑर्गेनाइज करूँगी, तो वो मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट शुरू करूँगी वो काम, तो दिखाऊँगी मैं आपको. इफ़ यू इनकल्केट न्यू आइडियाज़ इन योर स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तो इट इम्प्रूव्स ऑल्सो. तो मैंने अपने बेटी का जो वार्डरोब दिखाया था अपने लास्ट चैनल में, उससे मुझे लगा था कि With baskets it might look better. तो मैंने इसलिए कुछ कुछ baskets last vlog में दिखाया था, purchase किया वो. And मैंने कुछ कुछ सामान declutter भी किया है. तो I have some few 2 or 3 old baskets भी, तो मैं उनको भी अब अपने wardrobe में use करूँगी. तो let's see how it turns up, and obviously you all will be with me. तो काम करने में मज़ा भी आएगा. अकेले अकेले इतना काम करना अच्छा नहीं लगता, बट आप लोग सब साथ में रहते हो तो ऐसा लगता कि motivation मिलता है बहुत. तो चलिए पहले तो ब्रेकफास्ट बनाते हैं. लेट्स फीड ऑल द हंग्री स्टमक. इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock नाउ. तो फास्ट ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, विद 9:15 बन भी जाएगा. तो चलिए दिखाते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट.
Thank you. Your favorite. मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, आज बनाया था दलिया जो आपने देखा. और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि वी शुड टेक वन टीस्पून ऑफ देसी घी एवरी डे. बेस्ट होगा अगर आप घर में बना सको. मैं उसका भी प्रोसीजर दिखाऊंगी फ्यूचर में, दैट हाउ कैन वी मेक देसी घी एट होम ओनली. इंटायर लाइफ आई हैव मेड देसी घी एट होम ओनली. वी हैड नेवर बॉट घी फ्रॉम द मार्केट. तो बहुत उसमें एक तो प्योरिटी भी रहता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है. अगर आप घर में बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनता है देसी घी. एंड अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो, इफ देयर इज नो एज सच मेडिकल हेल्थ कंडीशन, देन वी ऑल शुड टेक एटलीस्ट वन टीस्पून ऑफ देसी घी एवरी डे. इट स्ट्रेंथन्स आवर बोन्स और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है देसी घी लेना. तो क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह ही ले लिया देसी घी, तो फिर मैं और इंटायर डे और घी नहीं लूँगी. तो मैं प्रेफर करती हूँ सुबह ले लेना या फिर लंच में. डिनर में आई डोंट नेवर टेक घी, बट अगर लंच में मैंने दाल बनाया तो मैं उसमें कई बार घी डाल देती हूँ. या फिर अगर सुबह इस तरह से दलिया हो या ऐसा कुछ बनाया हो जिसमें कि घी आता है और घी टेस्ट भी देगा अच्छा, देन आई एड इट इन टू मॉर्निंग इटसेल्फ. तो अब दिन भर रहता है टू बर्न इट आउट. तो एक तो ये हो गया. और ये वेज दलिया जो है वह जल्दी बन जाता है. जनरली सुबह सुबह मेरे को थोड़ा स्पेशली इन वीकडेज बहुत ही कम टाइम मिलता है कि मैं फटाफट कुछ नाश्ता बना सकूँ. तो ऐसे कुछ सिंपल जो कि होममेड हो और प्रोसेस्ड फूड ना हो, तो ऐसा अगर कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट वी कैन मेक, इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज फॉर आवर स्किन एंड ऑल. तो आप भी इस तरह से कुछ इस तरह से घर में दलिया बनाइए और सेव योर टाइम एनर्जी एंड ऑब्वियसली हेल्दी भी होता है. तो अभी मैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करके आई हूँ, थोड़ा बहुत लंच प्रिपरेशन करके आई हूँ, बट नाउ आई एम रीऑर्गेनाइजिंग माई वार्डरोब. तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने कुछ कुछ ऑर्गेनाइजर्स वहाँ पे लिया था, 6 नए और 4 पुराने बास्केट से लेके अब मैं अपने जो वार्डरोब है उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करने की सोच रही हूँ. इस तरह से अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहे ना, तो इट नॉट ओनली इम्प्रूव्स द इंटायर सिस्टम जिसको आप चेंज कर रहे हो, बट इट ऑल्सो कीप्स यू एंगेज्ड इन योर ओन हाउस वर्क, विच इज़ एसेंशियल, ज़रूरी भी है और अच्छा भी लगता है. इट कीप्स यू बिजी ऑल द टाइम. और मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है. अगर आप बिजी रहोगे ना तो नेगेटिव थाट्स, नेगेटिव फीलिंग्स या सैडनेस टाइम ही नहीं क्रीप करने के लिए, बिकॉज यू आर ऑलवेज बिजी इन डूइंग समथिंग और द अदर. तो देर इज़ नो टाइम दैट यूल फील नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ और अबाउट एनी बडी. तो मैं कुछ ना कुछ करके हमेशा अपने आप को बिजी रखती हूँ, बट ये इस तरह से बिजी रखती हूँ विच बी प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव फॉर माई लाइफ. तो आज मैं इसको फिर से रीऑर्गेनाइज करूँगी और चलिए मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से करूँगी. तो ये 2 साइज़ के बास्केट्स मेरे पुराने रखे थे, तो इनको मैं अभी रीयूज़ करूँगी. और अभी वार्डरोब को फिर से एक और बार चेक करूँगी देखने के लिए कि इसमें से कुछ और मैं डिस्पोज ऑफ कर सकती हूँ कि नहीं, एज वेल एज अगर मैं कुछ रीपर्पस करूँ तो वो भी देखती हूँ. कोई अगर क्लोथ्स आई कैन रीपर्पस या कोई DIY बना सकूँ, तो ये सब एक साथ कर लेती हूँ. तो चलते शुरू करते हैं. दिस इज हाउ माय वार्डरोब इज लुकिंग राइट नाउ. ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, राइट हैंड साइड वाला. तो पहले मैं इन सबको खाली करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैसे तो नीट रहते हैं, बट कई बार ऐसे निकालने के चक्कर में ऐसे डिली डाली हो जाता है, नॉट इन द सेम सीक्वेंस. तो मुझे लगा था अगर मैं इसको फिर से रीऑर्गेनाइज कर सकूँ, तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स अप. तो पहले मैं इस सेगमेंट को खाली करूँगी, फिर ये इस दोनों को पहले खाली करूँगी, एंड ऑल्सो द ड्रॉअर, इसको ही मैं एम्प्टी करती हूँ पहले.
मैंने अब सारे वो बॉक्सेस को अरेंज करके रखा है. ये वाला शेल्फ दिस वन एंड दीज टू शेल्फ तो एम्प्टी आई हैव फिलहाल मैंने सारे के सारे अरेंज करके रखे हैं. एंड नाउ आई विल अकॉर्डिंगली स्टफ ऑल द क्लोथ्स इन देम. Organizing my wardrobe और थोड़ा time लगा, almost it took 40 minutes. Decluttering मैंने थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा कुछ नहीं था. I got 5 to 6 items, उनमें से मैं half I'll dispose of, मतलब I'll donate which are wearable and some are like थोड़ा बहुत उसका color कुछ fade हो गया या काफ़ी साल हो गए पहने पहने, तो I am planning to do a DIY, repurpose it. तो these 3 I got, इनको आई एम प्लानिंग टू रीपर्पस इट, कुछ कुछ और यूज़ करूँगी. एंड दीज 2 टी शर्ट्स आई एम प्लानिंग टू डोनेट देम. तो ज़्यादा नहीं मिला, बस 5 ही मिले कपड़े जिनको मैं कुछ और कर सकूँ. बाकी तो मैंने 1 month पहले ही इसको ऑर्गेनाइज किया था, रीऑर्गेनाइज किया था, बट नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर. थोड़ा बहुत प्लास्टिक के मैंने ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए, बट इट इज़ लुकिंग मोर कलरफुल एंड वेरी गुड. एंड होपफुली मुझे इसको मेंटेन करने में ईजी होगा. अर्लियर आई हैड ट्राइड फोल्डिंग माई क्लोथ इन द फाइल वे, मतलब इस तरह से फाइल करके मैंने कोशिश किया था कि इनको अगर मैं अरेंज कर सकूँ, बट आई हैव सीन कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसे कहीं भी मैं निकालूँ या कुछ वापस रखूँ तो बहुत कुछ मतलब उसमें मैनेज करना पड़ रहा था. तो फॉर मी इट वॉजन्ट दैट कन्वीनियंट, तो मुझे ये एक के ऊपर एक रखना ही ईजी लगता है. एंड या वन मोर थिंग, मेरे अभी स्कोप है, आई कैन डू मोर शॉपिंग, काफ़ी स्पेस बाकी है.
In my next video, I'll do a detailed tour of how and where I have kept and what clothes I have kept in which boxes. So, aap zarur check karna. Mere upcoming video, next video wahi hoga. How to organize a woman's closet or wardrobe. So, next video mein fir se uska hi upar hi banaungi. Aur filhal aaj ho gaya kafi der. Aur maine vlog kal evening se start kiya tha. So, abhi main is vlog ko yahi pe end karti hu. Hopefully आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. If you have liked my video, then please subscribe to my channel, hit the notification bell and do like and share my videos too. मिलती हूँ मैं फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए bye, see ya.